Hey guys, welcome back to my channel. Hope you guys are doing really well today. So guys, in today's video, I'm going to review an aloe vera gel for you guys. So this is by the brand Apollo Pharmacy. So this is their Apollo Life Aloe Vera Gel. So this is how the product looks like. सो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था कि अपोलो फार्मेसी पे कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं फ्लैट 50 रुपीज़ के मिल रहे हैं. सो मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स उनके ट्राई किए हैं एंड आप लोगों के साथ रिव्यू भी शेयर किया है. आइडियली मैं ये एलोवेरा जेल नहीं खरीदने वाली थी बिकॉज ये ग्रीन कलर का है एंड आप लोगों को पता है मुझे लाइफ में बहुत लेट रियलाइज हुआ कि एलोवेरा जेल जो है ग्रीन कलर का नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और ग्रीन हमेशा डाला जाता है उसमें. बल्कि मेरे घर में इतने सारे एलोवेरा के प्लांट्स हैं स्टिल, बट हम सब ने कभी ना कभी पतंजलि का एलोवेरा जेल ज़रूर यूज़ किया है एंड वो ग्रीन कलर का होता है. सो या एनीवेज, सो मुझे अब इस बार तो पता था कि हाँ ग्रीन कलर का एलोवेरा जेल मुझे नहीं खरीदना चाहिए, बट स्टिल आई वाज लाइक कि चलो रिव्यू पर्पज़ के लिए ले लेती हूँ मैं इसे. सो ये एक डेली मॉइस्चराइजर का काम करता है और ये है कम्प्लीट स्किन न्यूट्रिशन. अभी मैं इसके बेनिफिट बताती हूँ, बट फर्स्टली मैं आप लोगों के साथ बोल दूँ इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रेग्रेंस है एंड चाहिए 50 रुपीज़ का मिला है मुझे एंड ओरिजिनल प्राइस इसका है 80 रुपीज़, बट मुझे 50 का मिला है और ऑनलाइन भी आपको 50 का मिल जाएगा. बट ग्रीन कलर का एलोवेरा जेल है, सो दैट मीन्स इसमें एडिड कलर है और इसकी फ्रेग्रेंस भी इसमें एडिड है काफ़ी. सो आई डोंट थिंक कि इसको किसी को भी परचेज करना चाहिए. अब मैं इसके बेनिफिट्स जो इन्होंने लिखे हैं वो मैं बता देती हूँ और मेरे लिए कैसा वर्क किया है वो भी मैं बता देती हूँ. इतना सब बोलने के बाद भी मैंने इसे फेस पे लगाया है, बॉडी पे लगाया है, आप देख सकते हो, और अभी भी लगा रही हूँ. अभी मैं बॉडी पे लगा रही हूँ, फेस पे नहीं लगा रही हूँ, बट तो मैंने सोचा आप लोगों से रिव्यू तो डाल ही दूँ. ठीक है, सो ये क्या करता है, ये प्योर एलोवेरा एक्सट्रैक्ट से बना है और ये एज अ मॉइस्चराइजर आप यूज़ कर सकते हो, एज अ हीलर ऑफ स्किन आप यूज़ कर सकते हो. इसमें नेचुरल यूवी एब्जॉर्बर है, वो हर एलोवेरा जेल में होता है, एक नेचुरल यूवी एब्जॉर्बर होता है उसमें. ठीक है, और आपके स्किन के टिश्यूज़ को रिपेयर करने में हेल्प करता है, सनबर्न्स को रिपेयर करने में हेल्प करता है और आपकी जो पिगमेंटेशन एंड स्कारिंग होती है उस पर एलोवेरा जेल वर्क करता है. ठीक है, मैं एलोवेरा जेल को हमेशा अपने स्किन के रेजिम में इंक्लूड करके रखती हूँ. अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो काफ़ी टाइम से, आपको पता होगा मैं एक ना एक एलोवेरा जेल को ज़रूर रखती हूँ अपने स्किन केयर में. ठीक है, और उसके बाद आप इसको ड्राई स्किन पे यूज़ कर सकते हो, माइनर कट्स पे यूज़ कर सकते हो, वूंड्स पे यूज़ कर सकते हो, इंसेक्ट बाइट्स पे यूज़ कर सकते हो, सनबर्न्स पे यूज़ कर सकते हो, अगर आपके फीट क्रैक्ड हैं आप उस पे यूज़ कर सकते हो, एक्ने स्कार्स पे यूज़ कर सकते हो, हाइपर पिगमेंटेशन है और स्ट्रेच मार्क्स के लिए यूज़ कर सकते हो बिकॉज दिस इज़ वेरी 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 मॉइस्चराइजिंग. और इसके बेनिफिट्स हैं कि इसमें नरिशिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, हीलिंग नेचर है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है, मॉइस्चराइजिंग है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ है, सूदिंग इफेक्ट ऑन डैमेज स्किन. और इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट आप देख सकते हो, पूरी इसकी पैकेजिंग पे है, अपोलो लाइफ की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगी. ठीक है, और इट इज़ फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली. तो इन्होंने भी लिखा है इन्होंने कलर एंड फ्रेग्रेंस को ऐड किया है, तो ऐसा नहीं है इन्होंने कुछ छुपाया है. उसके बाद इसकी ये, अरे बाप रे क्या है ये पंप वाली पैकेजिंग है. सो इस तरह की पंप वाली पैकेजिंग है, तो कभी ये चल जाती है कभी नहीं भी चलती क्योंकि जेल काफ़ी थिक है अपने आप में. सो मैं इसे हेयर ऑयल में मिक्स करके अपने हेयर पे लगा के यूज़ करके देख चुकी हूँ, स्किन पे एज अ मॉइस्चराइजर एंड एज अ प्राइमर एंड एज अ नाइट स्लीपिंग मास्क भी मैंने इसे यूज़ किया है. इट इज़ नॉन ग्रीजी, नॉन स्टिकी, बट इट हैज़ गॉट वेरी हाई फ्रेग्रेंस, वेरी 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 हाई फ्रेग्रेंस. ऑल्दो मेरी स्किन पे कोई एक्ने पिंपल नहीं हुआ इसको यूज़ करके, कोई एज सच कोई बैड इफेक्ट नहीं हुआ. इट इज़ मॉइस्चराइजिंग, इट वर्क वेल फॉर माई हेयर ऑल्सो एंड फॉर माई फेस ऑल्सो. बट क्योंकि नाउ आई एम अवेयर कि ग्रीन कलर का एलोवेरा जेल नहीं होता है, इसमें कलर एडिड होता है, सो दैट इज़ वाई आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ इट ऑन माई फेस, बट आई विल स्टिल यूज़ इट ऑन माई बॉडी बिकॉज इट्स अ ग्रेट मॉइस्चराइजर. इट वर्क्स वेल एज अ प्राइमर ऑल्सो, अगर आपको प्राइमर फिनिश हो गया है तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हो. हाँ, हीलिंग की मैं बात करूँ, सनबर्न्स वगैरह के लिए एलोवेरा जेल इज़ वेरी वेरी गुड. तो आपकी मर्जी, अगर आपने ट्राई करना है तो आप कर सकते हो, बट आई वुडन्ट रिकमेंड इट बिकॉज मैंने बता दी क्या रीज़न है. बट ऑल इन ऑल प्रोडक्ट इज़ फाइन. ऐसा नहीं है कि उन्हें मुझे ब्रेकआउट दिए या कुछ मेरे हेयर फॉल हुआ, क्योंकि मैं हेयर ऑयल में मिक्स करके लगाती हूँ, बट आई वुडन्ट रिकमेंड दिस. ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर द मिनी रिव्यू टुडे. आई होप आपको पसंद आया होगा. इन केस यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू गाइज.